नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। बट आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, बसोहली शैली प्लस पटना शैली दोनों एक साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पटना शैली में लगभग 30 से 35 प्रश्न लिए जाएंगे, बसोहली शैली से भी 15 प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो लगभग ये 50 प्रश्नों का सेगमेंट बनने वाला है आज, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा क्योंकि आप जानते हैं वनडे एंट्रेंस से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न यहाँ समाहित किए जा रहे हैं। पटना शैली की अगर बात करते हैं, आप जानते होंगे यूरोपीय और भारतीय शैली का सम्मिश्रण पटना शैली कहलाता है। और पटना शैली के अच्छे अच्छे चित्रकारों में सेवकराम, शिवदयाल, हुल्लालास, जयराम दास, लालचंद, टिकी करोट, ये सब नाम आते हैं और यही से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है। जबकि बसोहली शैली, आप जानते ही होंगे कि बसोहली शैली जम्मू और कठुआ जिला वाला क्षेत्र है, वर्तमान का जम्मू वाला क्षेत्र, ठीक है। और बसोहली में बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन राजा भोगपाल जो है बसोहली राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। और भोगपाल के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान होता है वो राजा कृपाल पाल से होता है। कृपाल पाल से क्वेश्चंस खूब बनता है क्योंकि इन्होंने बसोहली शैली को संरक्षण प्रदान किया है। आगे बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन एक डाटा और बहुत पूछा जाता है कि जयदेव द्वारा जो है रचित है गीत गोविंद, आप जानते होंगे, और गीत गोविंद का चित्र बनाया है एक चित्रकार ने, तो उसका नाम है मानकू, वो मूल रूप से बसोहली शैली का ही माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है उत्कृष्ट चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। और बसोहली शैली का प्रश्न जो है पहला प्रश्न माना जा रहा है, पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी कला केंद्र में सबसे प्राचीनतम कला केंद्र जो है उसे हम लोग बसोहली शैली के नाम से ही जानते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या दो की तरफ बढ़ते हैं और दो में पूछा गया है, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह कौन थी? ऑप्शन हैं बसोहली, चंबा, नूरपुर और कांगड़ा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे आप जानते हैं जब पहाड़ी शैली आती है तो उसका सबसे प्राचीनतम केंद्र यही माना जाता है बसोहली, तो यही सबसे पहले अस्तित्व में आएगी। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या तीन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीन में कहा गया है, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं? क्वेश्चंस खूब घुमा के पूछेगा और आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत जटिल भाषाओं का प्रयोग करेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी यहाँ पे कि आपका हर एक डाटा हर साइड से क्लियर हो जाए। बसोहली शैली के चित्र किस संग्रहालय में रखे हुए हैं बेटा? पंजाब, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली। तो आप जानते हैं पटना नहीं, पंजाब वाले क्षेत्र में रखा हुआ है। पंजाब संग्रहालय में बसोहली शैली के चित्र रखे हुए हैं। बसोहली शैली जम्मू वाला क्षेत्र है, कठुआ जिला, ये भी पूछा गया है, याद रखना है सदैव। लेकिन इसके जो संग्रहालय में चित्र सुरक्षित रखे हैं वो है पंजाब संग्रहालय। ये राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या चार की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चार में कहा गया है, बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक राजा कौन था? तो संस्थापक और संरक्षक दोनों पूछा गया है। ऑप्शंस में संसार चंद्र, अमृतलाल, कृपाल लाल या फिर महेंद्रपाल, सब नाम दिया गया है। तो संस्थापक आप जानते हैं भोगपाल है, जबकि सबसे बड़ा संरक्षक जो है वो राजा कृपाल पाल था, मैंने बताया ही स्टार्टिंग में। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। बेटा नोट डाउन करते हुए चलना है, आपको थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है। अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आप जानते हैं सिलेक्शन कितना टफ हो जाता है, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न संख्या पाँच की बात करते हैं, राजा कृपाल पाल जो 1678 से 1695 तक शासन करते हैं, डाट के पहाड़ी क्षेत्रों या चित्रों के लिए प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं, बताना है कौन सा संरक्षण किए हैं ये? तो बसोहली स्कूल, गुलेर स्कूल, पुंछ स्कूल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो आप जानते हैं कि जो राजा कृपाल पाल हैं उनका संबंध जो है मूल रूप से बसोहली स्कूल से रहा है, बसोहली शैली से रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या छः की अगर बात करते हैं, छः में पूछा गया, बसोहली क्षेत्र आज जिस राज्य के अंतर्गत है वह कौन सा है? वर्तमान में पूछा जा रहा है बेटा, तो वर्तमान में हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जम्मू और कश्मीर के बेल्ट में आता है। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सात की तरफ बढ़ते हैं, सात में पूछ लिया गया है, बसोहली में शीश महल बनवाकर उसके चित्रों को किसने सजवाया था? तो उसके चित्रों को बेटा मूल रूप से भित्ति चित्रण से अच्छे सजवाया गया था, और शीश महल को किसने बनवाया ये पूछा जा रहा है, महेंद्रपाल, कृष्णपाल, अमृतलाल या फिर अजीत घोष। तो यहाँ पे अगर बात होगी इसकी कि शीश महल किसने बनवाया, रंग महल किसने बनवाया, तो राजा महेंद्रपाल इसके राइट आंसर होंगे। महेंद्रपाल ने जो है ऐसा कारनामा करवाया है कि रंग महल और शीश महल बनवाया है, फिर उसमें मूल रूप से अच्छे से भित्ति चित्रण भी करवाया है। तो राइट आंसर जो है ए के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है।
प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा गया है, बसोहली चित्र में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन थे? बेटा गीत गोविंद के चित्रकार पूछा जा रहा है, ये याद रखना है। देवीदास, मनोहर, रांझा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन से हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो गीत गोविंद है उसके रचयिता तो जयदेव हैं, आप जानते हैं जयदेव जी ये बंगाल से हैं, याद रखना है। और मूल रूप से के जो चित्रणकार हैं वो मानकू हैं, मानकू का भी नाम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो मानकू इसके चित्रकार हैं गीत गोविंद के, डाटा याद रखना है, बसोहली शैली में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 हो गया है, प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़े हैं। पूछा गया है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डाडा डाट के उद्भव को मानते हैं, बसोहली शैली, कुल्लू शैली, मुगल शैली या फिर राजपूत शैली। तो किसका उद्भव जो है गीत गोविंद के साथ ही हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीधे आपको बसोहली शैली राइट आंसर मार देना है, क्योंकि हम लोग बसोहली शैली पढ़ रहे हैं, उसी के जो है अनुरूप ही क्वेश्चन बन सकता है। तो राइट आंसर बसोहली शैली के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। TGT 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए कितना कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा है, बसोहली शैली इसका राइट आंसर बन रहा है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2021 के परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चंस छपा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया गीत गोविंद में चित्र किन शैलियों में बने हुए हैं, कांगड़ा, गुलेर, दक्कनी, बसोहली, राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं मूल रूप से किस शैली में, हमने स्टार्टिंग में बताया बसोहली शैली में बने हैं, तो बसोहली शैली इसका राइट आंसर हो जा रहा है, डी राइट आंसर बन रहा है। रेपुटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बेटा, इसलिए हल्के मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं, मुगल, दक्कनी, कांगड़ा, बसोहली, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो गीत गोविंद के चित्र पुनः पूछ लिया गया, बसोहली शैली राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है लोक कला पर कौन सी शैलियाँ आधारित हैं, मुगल शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बसोहली शैली? तो लोक कलाओं पे मूल रूप से कौन सी शैली है बेटा, बसोहली शैली आधारित है। बसोहली शैली सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है पहाड़ी कला के लिए, यह भी याद रखना है, डी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं, और 13 में पूछ लिया गया है कि पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन हैं कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल या फिर बसोहली। तो रसमंजरी का जो अंकन हुआ है बेटा वो हुआ है बसोहली शैली के साथ, राइट आंसर डी ही बन रहा है, बसोहली शैली, डी इज द राइट आंसर, रसमंजरी का अंकन बसोहली शैली में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं, और 14 में पूछा गया है बसोहली चित्र का प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी थी, बसोहली शैली में पहली ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी थी है, विनोद राग, रसमंजरी, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञात पुस्तक की बात करते हैं और चित्रित, तो ये रसमंजरी इसका राइट आंसर बन रहा है बेटा, रसमंजरी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, बसोहली शैली के अंतर्गत चित्रित पुस्तक है, राइट आंसर सी ही देखने को मिल रहा है। बसोहली शैली का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो रसमंजरी भी जस्ट हमने देखा किस शैली में है, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोहली शैली या फिर किशनगढ़ शैली, राइट आंसर किसके साथ बन रहा है बेटा? तो यहाँ पर राइट आंसर बसोहली शैली के साथ बन रहा है कि रसमंजरी जो है मूल रूप से बसोहली शैली में चित्रित है। ये PGT 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चन छपा है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है बसोहली शैली, और कितना इंपॉर्टेंट अभी आगे आपको पटना शैली देखने को मिलेगा, पटना शैली या फिर जिसे हम लोग कंपनी स्कूल के नाम से जानते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन थे जिसमें TGT और PGT दोनों में क्वेश्चन एक एक पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रत्येक सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यानी 4 नंबर आपके कन्फर्म हो रहे हैं, तो प्रत्येक के लिए एक एक क्वेश्चंस आपको आगे जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, तब जाके आप 120 प्लस का डाटा कन्फर्म कर पाएंगे, 120 प्लस का स्कोर ला पाएंगे। अब हम लोग कंपनी स्कूल के बारे में या फिर कंपनी शैली के बारे में या फिर पटना कला के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पटना कलम या फिर पटना शैली। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है, यूरोपीय भारतीय, यूरोपीय बंगाली, पाल मुगल या फिर ईसाई और हिंदू? तो बेटा पटना कला शैली यूरोपीय और भारतीय कला के मिश्रण से जाके तैयार होती है, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, 2 में पूछ लिया गया है पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है, पत्र निर्माण, बंगाल शैली, कंपनी शैली या फिर सरकी शैली? तो पटना मूल रूप से किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का प्राप्त रहा है, तो वो रहा है कंपनी शैली के रूप में, राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, कंपनी शैली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन कह रहे हैं पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम क्या है। हमने स्टार्टिंग में बताया पटना शैली को हम लोग कंपनी शैली के उपनाम से भी जानते हैं। क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, याद रखना है, ए राइट आंसर बन रहा है पटना शैली या फिर पटना स्कूल कंपनी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, ए राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या चार में पूछा गया कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, तो कंपनी शैली का जो भारतीय केंद्र है वो सबसे ज़्यादा फेमस है पटना, राइट आंसर जो है सी के साथ ही बनेगा, पटना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या पाँच की तरफ बढ़ते हैं, पाँच में पूछ लिया गया है कि उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था, कानपुर, पटना, आगरा या फिर नैनीताल, राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो आप जानते हैं उत्तर भारत में कंपनी शैली का सबसे फेमस केंद्र था बिहार की राजधानी पटना, सी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या छः की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या छः में क्या पूछा गया बेटा, देखते हैं कि पूछा गया है कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ होती है, कंपनी स्कूल कहाँ एस्टेब्लिश किया जाता है बेटा, ऑप्शंस में है कांगड़ा, भोपाल, पटना, जयपुर, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है पटना के साथ बनेगा, कंपनी स्कूल की स्थापना पटना में होती है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सात की तरफ बढ़ते हैं, सात में पूछा गया कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित होती है, वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद या फिर कोलकाता, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो कंपनी शैली सबसे पहले पटना में विकसित होती है, राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आठ की तरफ बढ़ते हैं, आठ में पूछा जा रहा है पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त होता है, तो सबसे पहले किसका संरक्षण, बिहार के राजाओं का, अंग्रेज शासन का, मिथिला के राजाओं का या फिर अंग्रेज अधिकारियों का, तो पटना शैली के चित्रकारों को संरक्षण जो मिलता है वो मूल रूप से मिलता है अंग्रेज के अधिकारियों का, यानी अंग्रेजों के अधिकारियों ने इन्हें सबसे पहले संरक्षण प्रदान किया है, राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं, 9 में पूछ लिया गया अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह क्या थी, यूरोपीय शैली, कंपनी शैली, शास्त्रीय शैली या फिर बंगाल शैली, तो बेटा अंग्रेजी शासन के कारण जो नवीन चित्र शैली जन्मती है उसे हम लोग कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य केंद्र जो है पटना रहा है, वर्तमान बिहार की राजधानी पटना वाला बेल्ट, तो सी राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेषज्ञ तौर पर चित्रित हैं, तो दृश्य चित्र, युद्ध चित्र, जनमानस चित्र या फिर दरबार चित्र, तो कंपनी शैली के चित्रों में मूल रूप से कैसे चित्र दिखाई देते हैं बेटा, तो जनमानस के चित्र दिखाई देते हैं, राइट आंसर बी के साथ जाएगा, इन चारों में से राइट आंसर बी ही बन रहा है, जनमानस चित्र, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं, 11 में पूछ लिया गया कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र था बेटा कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, पटना, तो कंपनी शैली का जो प्रारंभिक केंद्र माना जाता है वो पटना ही माना जाता है, बिहार की राजधानी पटना, बी इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं, 12 में पूछ लिया गया है कंपनी शैली के चित्रों की तकनीकी क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, पीजीटी 2021 में आया है, पक्का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्वेश्चंस पूछा गया कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी क्या थी, टेम्परा, एक्रेलिक, फ्रेस्को या फिर जल रंग, बड़ा कंपनी शैली में जो चित्रण बने हैं वो ज़्यादातर जल रंग के बने हैं, तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर, जल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 में पूछा गया है कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रामलाल, रामधार, हसनलाल, ईश्वरी प्रसाद, तो आपको कंपनी शैली के सबसे फेमस चित्रकार का नाम बताना है, तो ईश्वरी प्रसाद हो जा रहे हैं, ईश्वरी प्रसाद, इसके साथ साथ और नाम याद रखना है सेवक राम, शिवदयाल, हुल्लास लाल, जयराम, लालचंद, टिली कैटल, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखना है इन्हें भी, ईश्वरी प्रसाद भी कंपनी शैली के अच्छे चित्रकारे माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं, 14 में पूछा गया है पटना शैली का मुख्य चित्रकार कौन था, प्रमुख चित्रकार कौन था, मंसूर, सेवक राम, बिशनदास, मिस्किन, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आपने चार ऑप्शंस देखे उसमें सेवक राम नाम आ गया है, अभी जेस्ट हमने बताया है सेवक राम, शिवलाल, हुल्लास लाल, जयराम, लालचंद, टिली कैटल, ये सब नाम जो है कंपनी शैली से जुड़े हुए हैं, कंपनी शैली के चितारे हैं, तो राइट आंसर यहाँ भी सी बन रहा है, सेवक राम। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा गया बेटा, पूछा गया है हुल्लास लाल किस शैली का प्रसिद्ध जो है चित्रकार है। टीजीटी 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा गया, हुल्लास लाल किस शैली का जो है अच्छा चित्रकार माना जाता है, कंपनी शैली, जन शैली, तंजौर शैली, मधुबनी शैली। बेटा जो है हुल्लास लाल का संबंध जो है कंपनी शैली से रहा है या फिर पटना शैली से रहा है, ए राइट आंसर बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछा गया है 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। चार प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया सेवक राम, शिवलाल, हुल्लास लाल, जयराम। तो सेवक राम, शिवलाल, हुल्लास लाल और जयराम जो नाम आएगा वही राइट आंसर होगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं सेवक राम, शिवलाल, हुल्लास लाल और जयराम। मूल रूप से राइट आंसर ए ही बन जाएगा। पीजीटी 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चन छप चुका है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ाते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक नहीं है, बिशन लाल, शिवलाल, सेवकराम, जेतन दास। राइट आंसर बेटा किसके साथ जाएगा, बिशन दास जाएगा, मुगल शैली का चित्रकार है, आप जानते होंगे, ये राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछ लिया गया है लघु चित्रों यानी लघु चित्र शैलियों के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम डाटा डाट से संबंधित हैं, पटना शैली, कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे जाएगा सेवक राम का संबंध पटना शैली से है या फिर पहाड़ी शैली से, नहीं जो है कंपनी शैली से है या फिर पटना शैली से, तो पटना या फिर कंपनी शैली राइट आंसर इसका बनेगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछा गया है कि लाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे। ऑप्शंस में है मुगल शैली, बसोली शैली, कंपनी शैली या फिर कांगड़ा शैली। तो लाल चंद्र का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से है कंपनी शैली का, कंपनी शैली इज द राइट आंसर इसका बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में पूछा गया कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिस्टोफर कैटल, नेविल तुली, एलिस कैटल या फिर टिली कैटल। हमने टिली कैटल स्टार्टिंग में ही नाम बताया था, तो टिली कैटल जो है कंपनी शैली का अच्छे चित्रकार माने जाते हैं, चाहे वो ईश्वरी प्रसाद हों, टिली कैटल हों, सेवक राम हों, लालचंद हों, ये सब नाम जो है बहुत फेमस हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है फिलहाल इस क्वेश्चन का, याद रखना है डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीजीटी 2021 में सीधा सीधा प्रश्न छपा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 में पूछा गया है पटना स्कूल का चित्र है। ऑप्शंस में है बरसात, फिरका, खिलाड़ी या फिर भिछड़ी। तो पटना स्कूल का जो चित्र बनाया गया है बेटा वो फिरका का बनाया गया है, फिरका। राइट आंसर जो है सी, सी बन रहा है फिरका, ठीक है। तो फिरका चित्र कहा जाता है पटना शैली के सभी चित्रों को या पटना स्कूल के चित्रों को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में पूछ लिया गया है लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। किससे खरीदे हैं लॉर्ड मिंटो ने चित्र, सेवक राम से, गुमनाम के, अबुल हसन के या फिर जगन्नाथ के। तो सेवक राम से खरीदे होंगे क्योंकि सेवक राम ही इसमें जो है पटना शैली का चित्र है, बाकी सभी नहीं है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। तो सेवक राम से लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछ लिया गया है मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित होती है वह कौन सी क्षेत्रीय शैली कहलाती है। तो क्षेत्रीय मुगल शैली, कांगड़ा शैली, कंपनी शैली या फिर दखनी शैली। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो कंपनी शैली या फिर पटना शैली के साथ बनेगा। राइट आंसर जो है बी बन रहा है। मुगल शैली के बाद कंपनी शैली या फिर पटना शैली अस्तित्व में आती है, तो राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में पूछ लिया गया है मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ। कौन सी शैली जो है पनपती है, राजस्थान, बंगाल, आधुनिक, कंपनी। कंपनी या फिर पटना शैली जन्म लेती है, पटना शैली या फिर कंपनी शैली। तो डी राइट आंसर बन रहा है। पटना शैली का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, 25वां क्वेश्चन। पूछा गया है कंपनी शैली का मुख्य अध्येता डाटा डाट थी। कौन थी बेटा मुख्य अध्येता। तो ऑप्शंस में है मिसेज हेरिंगम, मिसेज आर्चर, मिसेज हैवेर या फिर मिसेज गांगुली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो कंपनी शैली की मध्य अध्येता जो है मिसेज आर्चर थी। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछने के प्रबल चांसेस हैं। तो 25, 15, 40 क्वेश्चनों का हम लोग जो है ये टेस्ट देखे हैं। कैसा लगा है आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। हालांकि ये पूरे के पूरे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हैं, इसलिए एक भी प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आए तो फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।